हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? तो आज जो मेरी मॉर्निंग वो बैड मॉर्निंग है। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली है और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं जाऊँ घर, इसीलिए मेरा जो दिन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं पलक्स को छोड़ के जाने वाली हूँ। तो इसीलिए आज सुबह से ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी और साथ में जो मेरी पैकिंग थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी थी। और जाने के लिए मैं कुछ थोड़ा नाश्ता बनाऊँगी और पलक्स के लिए भी कुछ बना के रखूँगी। तो उसके लिए बनानी है मुझे खस्ता मीठी पूरी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भिगो दी है और उसके बाद यहाँ पे मैंने काटी है थोड़ी मेथी, क्योंकि पलस के लिए थेपले बना के जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया आटा, ये है गोले का बुरादा। तो मेरा पानी तैयार हो चुका था और यहाँ पे मैंने आटे में डालना है थोड़ा सा मोहन, उसको अच्छे से गूंद लेना है। उसके बाद उसमें पानी, मीठा पानी डाल के आटा बना लेना है, क्योंकि खस्ता आटा के लिए थोड़ा बिखरा आटा होना चाहिए पूरी के लिए। और गाइस, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, मतलब घर से निकल गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं बस से, क्योंकि हमें ट्रेन मिलेगी बड़ौदा से। तो हम लोग जाने जा रहे हैं बड़ौदा। और गाइज, आज मैं पलस को पहली बार छोड़ के आई हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं और विनीत साथ में जा रहे हैं और यहाँ पे आ गए मैं स्टेशन पे। स्टेशन पे बहुत रास्ता, बहुत भीड़ थी। अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम था तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो इसीलिए हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि पलक्स हमारे साथ नहीं है। और हम आ गए ट्रेन के अंदर, मैं और काना बैठे हैं। काना कर रहा है मस्ती। और यहाँ से गुजरात ख़त्म होने के बाद ठंड हो गई स्टार्ट, क्योंकि यूपी में ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ जाके आपको यूपी में, यानी कि अपने गाँव के घर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, गुड नाइट, बाय बाय।